कोई भी लर्नर जो स्टडी छोड़ चुका है, जहां किसी का इंटरेस्ट बाद में किसी एरिया में है, वो लर्न करना चाहते हैं, जिसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं, किसी भी वर्ल्ड के एरिया में आप बैठे हो, लर्न करना चाहते हो, आप अपनी लर्निंग को सर्टिफाई करवाना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करना चाहते हो, जहां बहुत ज्यादा कम कॉस्ट पर लर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसको MOOC के नाम से जाना जाता है। ये बहुत कॉमन टर्म है। इस टर्म के अंदर जो स्वयं इंडिया में शुरू किया गया है, स्वयं पर डिफरेंट वीडियो होगा, लेकिन बहुत से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं MOOC के ही स्वयं में पाए जाएंगे। ये नई इनोवेशन है एजुकेशन के फील्ड में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। और आप ये बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड के एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपको एजुकेशन पहुंचेगी थ्रू MOOC, लगभग फ्री है जब बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट है इसकी। और MOOC के कोर्सेज कहाँ होस्ट होते हैं, कहाँ चलते हैं, पोर्टल पर, इस पर पोर्टल पर क्या क्या अवेलेबल होगा। मान लीजिए कोई कोर्स है आपने रिसर्च मेथडोलॉजी पर, स्किल इन टीचिंग पर, आप SPSS पर, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस पर कोई कोर्स छोटा सा कोई इंस्टीट्यूट शुरू करती है, उसके रिगार्डिंग वो उसका रीडिंग मटेरियल, उसके लेक्चर वीडियोस उस पर पोर्टल पर डाल देगी, और जिस जो भी लर्नर वहां रजिस्टर होता है उस कोर्स के लिए, तो एक टाइम पीरियड में वो ये रीडिंग मटीरियल, लेक्चर वीडियो, जहाँ डिस्कशन फॉर्म और भी कई कुछ होता है, तो लर्निंग पीरियड होता है, उसके बाद में असेसमेंट एवेल्युएशन होती है, एग्जाम होता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप कहीं भी बैठे हो आप ये प्राप्त कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम जो MOOC था किसने स्टार्ट किया, पीटर नॉर्विंग एंड सबस्टैन थर्न ने 2008 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये तो थी इंट्रोडक्शन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ MOOC, इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि टाइप्स हैं एक्स MOOC एंड सी MOOC, जो कनेक्टिविटी और जो एक्सटेंडेड MOOC है ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन बाकी भी कुछ टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब ये इसके कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिक, इसकी सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस और इम्पैक्ट और फीचर, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है जिससे MOOC की आपको समझ आ जाएगी, वो रेपिटेशन है। फर्स्ट इसका फीचर जो है सिग्निफिकेंस है एक्सेसिबिलिटी, कि ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठे कोर्स कर सकते हो, सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए। इसने ज्योग्राफिकल जो बैरियर है खत्म कर दिए हैं। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको किसी टाइम पीरियड पर क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहो अपना टाइम टेबल बना सकते हो और अपनी जो गति है सीखने की उसके मुताबिक सीख सकते हो। रात को 12 बजे पढ़ो, दिन के 12 बजे पढ़ो, आपकी मर्जी है। आप कोई भी काम करते हो, फैमिली मेंबर हैं, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, तो आप लर्न कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर इसमें लर्न करते हैं MOOC पर, डाइवर्स कोर्स ऑफरिंग। ये नहीं है कि ये साइंस का है, ह्यूमैनिटीज का है, आर्ट्स का है, कंप्यूटर का है, बिजनेस का है, सभी तरह के कोर्स इस पर चलते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, लार्जली MOOC के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए कई बार कोई इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम फीस रख देती है। ये फीस पर वही कोर्स अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आपने करना हो तो वो महंगा पड़ेगा, यहाँ पर ये बहुत सस्ता होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग डिस्कशन फॉर्म्स या पीयर रिव्यू असाइनमेंट्स, ये फोकस है इनका, इंटरैक्शन लर्नर्स में ज़रूर करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन फॉर्म में कोई इशू जो कोर्स से रिलेटेड है उस पर एक आधा घंटा डिस्कशन करवाई जाती है। एक असाइनमेंट तैयार की है तो वो दूसरे पीयर को, साथी को भेजी जाती है, वो भी उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी असाइनमेंट दूसरा को इवैल्यूएट करता है। सो ये कोलैबोरेशन, मतलब इसमें नॉलेज शेयरिंग होती है, पीयर टू पीयर सपोर्ट हेल्प होती है, कॉग्निटिव हेल्प, जो वाइगोत्स्की ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी में कहा था। अच्छा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, आप किसी भी एज में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
किसी भी एज और बैकग्राउंड से हो, बेशक आपने अपने कैरियर की एडवांसमेंट के लिए लर्न करना है, बेशक आपने पर्सनल इंटरेस्ट को एनहांस करने के लिए लर्न करना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जब भी शब्द आता है, आप स्किल एंड नॉलेज नेचुरली है जो अपने प्रोफेशन में फर्दर नॉलेज एडवांसमेंट आ चुकी है उसको लर्न करना है, न्यू स्किल्स लर्न करनी है, तो मूक के जरिए, फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज और नई स्किल्स हैं जो टीचिंग की, ऑनलाइन स्किल्स हैं, ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल आप टीचर हो तो टीचिंग प्रोफेशन में न्यू नॉलेज को लर्न करना है और आपने स्किल, टीचिंग स्किल को डेवलप करना है, तो MOOC उसके लिए आपकी सहायता कर सकती है। ग्लोबल रीच है, आप किसी भी कोने में बैठे हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारे बैरियर जो ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पर अप्लाई होता है। ग्लोबल रीच इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज्योग्राफिकल किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड सेम कोर्स है, सेम इशू पर बात करते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव जो हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस जो डिस्कशन के बाद एक न्यू इंसाइट बनती है, तो उसी इश्यू को नए ढंग से देखने का आप में पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। सो MOOC क्या है? एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्लेटफॉर्म है जिसकी असेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इसके मेन करैक्टर हैं, और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन में, लर्नर में, ये एक ब्रिज का काम कर रही है, गैप को फिल का काम कर रही है। तो इसमें नई नई इनोवेशन अभी हो रही हैं, जैसे स्वयं है इंडिया ने बनाया, वो MOOC की लाइन पर ही बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें, इनोवेशन क्या होता है कि जो पुरानी बेसिक आइडिया MOOC को यूज इंडिया ने अपनी नीड्स के मुताबिक किया है, जो स्वयं में आप डिफरेंट वीडियो में देखोगे। तो यहां तक था MOOC का कंसेप्ट और उसके मेन फीचर, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस और इंपैक्ट। MOOC से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नीचे लिंक है दिया गया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग MOOC, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, अगर इस वीडियो को देखा है तो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।